तो आपने फाइनली गाड़ी जो गैलेक्सी 3 देखी ली है और इस वीडियो में आप जानना चाहते हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हुआ क्या है, तो भाई उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखी है वो मत देखना, और जिन लोगों ने इस मूवी को देख लिया है चलो बात करते हैं गाड़ी जो गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो मेरे भाइयों याद रखना कि इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं थोड़े से स्पॉइलर्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो हो सचिन निगम एंड लेट्स फ्रिकिंग गो। अब ट्रेलर को देखने के बाद में तो ये लग रहा था कि भाई साहब रॉकेट मरने वाला है, ये ड्रैक्स मरने वाला है, लेकिन अच्छी बात बताओ दोनों में से कोई भी नहीं मरता, और यहाँ तक कि आप ये मान सकते हैं कि पूरी गार्डियंस टीम में से किसी का भी बाल भी बाकर नहीं होता। मतलब मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि यार रॉकेट मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और कहीं जेम्स गन उसको मार ना दे, क्योंकि मार्केटिंग ही ऐसी की गई थी, लेकिन मूवी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई कोई नहीं मरा है, विच इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग। उसके बाद आती है मूवी की एंडिंग, और आपको पता है एंडिंग कैसी हुई है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है इसके पोस्ट क्रेडिट सीन। फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गार्डियंस की टीम है यानी जो मेन टीम है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है, सब लोग इधर उधर जा चुके हैं और एक नई टीम का निर्माण हो चुका है, और इस नई टीम का लीडर है रॉकेट रकून, हु इज माई फेवरेट कैरेक्टर इन दिस होल फ्रेंचाइज। आपको पता है कि रॉकेट को मैं कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, और I love that guy. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने अपनी खुद की टीम बना ली है, और इस टीम के अंदर नए कैरेक्टर भी हैं और पुराने कैरेक्टर भी हैं। पुराने कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले रॉकेट है, रॉकेट के साथ में है ग्रूट, जो कि ऑब्वियसली इसके साथ हो गई होगा। विन डीजल ने कहा था कि इस मूवी के अंदर आपको अल्फा ग्रूट देखने को मिलेगा, और इस मूवी के अंदर जो ग्रूट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, ही वाज अमेजिंग। तो डेफिनेटली गार्डियंस जो 2.0 बना है या फिर गार्डियंस की जो नई टीम बनी है इसके अंदर ग्रूट आपको देखने को मिले। इसके साथ साथ आपको क्रैकलिन देखने को मिलेगा, जो याका एरो था हमारे योंडू का वो हमारे क्रैकलिन ने परफेक्ट कर लिया, उसको वो चलाना आ गया है, और इस मूवी के अंदर उसका रोल काफी अच्छा मुझे लगा। तो नई गार्डियंस की जो टीम बन रही है ना उसके अंदर आपको क्रैकलिन भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कॉस्मो द स्पेस डॉग, अब आपको पता है वो बाकलोवा करके जो एक्ट्रेस है उन्होंने इसका रोल किया है, एंड कॉस्मो बहुत बढ़िया लगा भाई मुझे तो, जो हॉलीडे स्पेशल था उसके अंदर भी बहुत बढ़िया लगा था, और क्रैकलिन का इस स्पेस डॉग के साथ में काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका है। तो हाँ भाई जो कॉस्मो द स्पेस डॉग है वो भी अब गार्डियंस जो 2 है यानी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पार्ट 2 जब भी आएगा फ्यूचर में, जो नई टीम बनेगी उसके अंदर इसका पार्ट होने वाला है। बात करते हैं अब नए कैरेक्टर की, तो अभी जो है ना इसके अंदर 2 नए कैरेक्टर आए हैं। पहला है एडम वॉरलॉक। अब मूवी के अंदर आप देखते हैं कि जो एडम वॉरलॉक है वो अपनी मतलब सॉवरेन पीपल के मरने का बदला लेने के लिए जो गार्डियंस के साथ में हो जाता है, तो हाँ भाई नई टीम का पार्ट जो है वो हमारा एडम वॉरलॉक बन चुका है। हालांकि मूवी के अंदर जो है वो वॉरलॉक जो टाइटल है एडम का वो नहीं मिला है एडम वॉरलॉक को, कॉमिक्स में भी ऐसे ही हुआ था, कॉमिक्स के अंदर जो वॉरलॉक का टाइटल है वो एडम को बहुत बाद में मिला था। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर एडम वॉरलॉक मतलब अभी तो इवॉल्व होगा इसका कैरेक्टर, जैसे जैसे इवॉल्व होता रहेगा वैसे फ्यूचर के अंदर इसको वॉरलॉक का कैरेक्टर का टाइटल जो है वो मिल सकता है। तो हाँ भाई नई टीम का पार्ट है एडम वॉरलॉक। और लास्ट में जो कैरेक्टर है वो है फाइलावेल। अब फाइलावेल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कॉमिक्स के अंदर ऑब्वियसली एक लेडी थी और एक क्री टाइटन हाइब्रिड थी, लेकिन मूवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, और ये छोटी सी जो एक्ट्रेस है इन्होंने इसका रोल प्ले किया है, ये भी गार्डियंस की टीम का मेंबर बन जाती है। तो हाँ ये है मेन टीम जो होने वाली है गार्डियंस की नई वाली, ये होने वाली है, और साथ में ब्लर्प को कैसे बोल सकते हैं, बस वेरी क्यूट, वो इस टीम का पार्ट होने वाला है, और एडम वॉरलॉक ने उसको ले लिया था जब वो रैवेजर मर गया था। तो हाँ भाई ये होने वाला है, ये सारे के सारे बंदे हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं, रॉकेट है, ग्रूट है, एडम वॉरलॉक है, क्रैकलिन है, कॉस्मो द स्पेस डॉग है, फाइलावेल है, बस यही है। बाकी सारे के सारे जो गार्डियंस है वो अपने अपने एडवेंचर्स पर निकल गए हैं। फ्यूचर हमें नहीं पता है कि इनका गार्डियंस का साथ में होने वाला है या नहीं होने वाला है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर ये जो नई टीम बनी है जिसको रॉकेट लीड करने वाला है ये होने वाली है अनाइलेटर्स की टीम। अब अनाइलेटर्स की टीम के अंदर 2-3 कैरेक्टर और हैं जो कि आ सकते हैं, जिसकी नोवा है, सिल्वर सर्फर है, और आई थिंक एक दो कैरेक्टर और हैं, और आपको पता है कि नोवा और सिल्वर सर्फर के ऊपर मार्वल वाले ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर के अंदर ना आपको जब भी अनाइलेटर्स की टीम देखने को मिलेगी या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2.0 की जो टीम है वो रॉकेट वाली टीम देखने को मिलेगी, आपको एक नई मूवी का टाइटल देखने को मिल सकता है जहां पर ये कुछ ऑन कर रहे होंगे। तो जो पुरानी टीम है वो खत्म हो चुकी है फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, यही है। अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन की, जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और स्टार लॉर्ड के फ्यूचर को एक तरह से सेटअप कर देता है, और नेक्स्ट टाइम हमें स्टार लॉर्ड कब देखने को मिलेगा ये भी हमें बता देता है। तो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में देख सकते हैं कि जो स्टार लॉर्ड है वो जाता है अपने नाना जी के पास, जो कि फर्स्ट मूवी के अंदर आपको देखने को मिले थे। जी हाँ, तो वापस वो अर्थ पर आ चुका है और अब वो थोड़े टाइम तक अपने नाना जी के साथ ही रहेगा। फर्स्ट मूवी के अंदर आपने क्या देखा था कि जो नाना जी थे उनकी बेटी भी गई और बेचारा जो पोता था, पोता कहते हैं नाती कहते हैं आई डोंट नो, वो भी चला गया था। तो वो वापस आ चुका है और अब वो अर्थ पर ही रहने वाला है, जिससे एक चीज सेटअप हो जाती है, ये चीज कंफर्म है कि अब जो भी बड़ा इवेंट होने वाला है अवेंजर्स की दुनिया में, जैसे इनकी एंड डायनेस्टी हो गया या फिर सीक्रेट वॉर्स हो गया,
इसके अंदर स्टारलॉर्ड जो है वो ऑलरेडी अर्थ पर रहेगा, यानी वो कहीं ना कहीं अर्थ पर रहकर सेंटर ऑफ एक तरह से अटेंशन बन सकता है, मतलब वो डायरेक्टली फाइट को ज्वाइन कर सकता है, उसको बाहर से अर्थ पर आने की जरूरत नहीं है, विच इज गोइंग टू बी ग्रेट। लेकिन मेरा मन में क्वेश्चन ये है कि क्या फ्यूचर के अंदर ये जो गार्डियंस की टीम है जो कि बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है, क्या ये वापस मिलेगी? ऑब्वियसली मिलेगी, आपको पता है, क्योंकि मार्वल जब भी कोई बीज बोता है ना तब तक वो पेड़ नहीं बन जाता, तब तक वो उसको सींचता रहता है। तो हाँ भाई, फ्यूचर के अंदर चाहे वो कैंग डायनेस्टी हो, चाहे वो सीक्रेट वॉर्स हो, चाहे वो एनाइलेटर्स की मूवी हो, चाहे वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 4 हो, इसके अंदर या फिर इसके बाद कहीं ना कहीं ये सारे के सारे बंदे हैं ना, ये वापस से जरूर मिलेंगे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। इसके बाद एंड होता है, वहां पर लिखा आता है द लेजेंडरी स्टारलॉर्ड विल रिटर्न। ऑब्वियसली स्टारलॉर्ड वापस आएगा, और ये है वो दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके हिसाब से ये पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या मतलब है, और क्या रॉकेट को उसकी खुद की टीम मिल गई तो आप खुश हो? भाई मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे ख्याल से मैं हमेशा ये मानता हूँ, भाई काफी लोग बोलते हैं कि जो रॉकेट रकून है ना वो हमेशा स्टारलॉर्ड के बाद आता है लीडरशिप में, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रॉकेट रकून की खुद की फ्रेंचाइज भी हो सकती थी अगर मार्वल वाले चाहते तो। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि उसने खुद की टीम बना ली है, that is great and I'm so happy for it. Thank you so much for watching this video. आपको Guardians of the Galaxy Volume 3 कैसी लगी? James Gunn का best work है अभी तक का मेरे हिसाब से MCU के अंदर। भाई साहब मैं हमेशा से बोलता हूँ कि Guardians 1 बहुत बढ़िया थी, Guardians 2 mid थी, लेकिन Guardians 3 जो कि end है, that is just fantastic। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, जो मैं चाहता था एक मूवी से, जो मुझे देखने को मिलना चाहिए था वो मुझे देखने को मिला, and I'm so much happy कि इतनी बढ़िया मूवी ये निकली। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे बताना बिल्कुल भी मत बोलना कि गाड़ी से लगी वॉल्यूम 3 कैसी लगी। आई होप अच्छी लगी होगी। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।